ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਬਾੜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਬਾੜ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਝੁਕੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ इस बारे सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची पर रस्ते च कबाड़ दियां दुकानां होण करके फायर ब्रिगेड नूं अग वाली जगह ते पहुंचण लई काफी मुश्किल दा सामना करना पिया ते कड़ी मशक्कत नाल अग ते काबू पाया गया हालांकि दस्सिया जा रहा है कि इस भयानक अग दौरान लखां दा नुकसान हो गया है पर शुक्र रहा कि इस हादसे विच कोई जानी नुकसान नहीं होया तुसी भी देखो पटियाला तो मनोज शर्मा दी पूरी रिपोर्ट द टीवी एनआरआई ए हो गया का घंटा हो गया आ गया ये तो मौके पे हमें गए थे जो हमने देख लिया नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता सारे बच्चे जल जाते सारी जितनी भी झुग्गी आएगी सारी जल जाती ये तो मौके पे हमने बचा लिया बहुत पानी था हमारे पास हमने वो घेरा जब जाके थोड़ी इधर कभी आपने कंप्लेंट करी है भी इनकी दीवार लग रही है इतना गाड़ियां पड़ी हैं या नुकसान है डरते हम गरीब बंदे है हम डरते हैं नहीं हम इनकी शिकायत कर सकते हैं बड़े बंदे है हम डरते हैं हम गरीब है हम इस करके डरते हैं ये बकरी साल भी लगी थी जी काफी नुकसान होया काफी नुकसान हो गया था दुकान जल गई थी सामान जला काफी कारोबारों में ट्रैक्टर मार्केट में सॉरी में आग लगी थी काफी काफी देर के बाद ना आई मशीन और इतने ना काफी नुकसान हो चुका था ये कितनी देर से लगी हुई है ये आधा घंटा हो गया सारा मोहल्ला ने पानी घेरा तब भी आग बुझी नहीं।